हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैशटैग आरुरी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का थर्ड डे, तो मेरा व्रत है, मैंने पूजा कर ली है और उसके बाद में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा मंदिर का वीडियो आप लोगों को पहले दिखाया मैंने। मैं ना पूजा के टाइम पर वीडियो नहीं बनाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि फिर पूजा में ध्यान नहीं रहता, वीडियो में ज़्यादा ध्यान रहता है। मतलब कैमरा अगर हाथ में आ जाए ना तो बाकी चीज़ों से ध्यान हटके कैमरे पर ज़्यादा फोकस हो जाता है, तो इसलिए मैं पूजा का वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो बस अभी मेरी पूजा हो गई और मैं आई हूँ किचन में कि अब थोड़ा सा पेट पूजा कर ली जाए। भगवान जी की पूजा हो गई और अब करनी है पेट पूजा। तो गाइज अभी रियू भी ठीक है एकदम, और आजकल तो क्योंकि कोल्ड का फीवर सबको इतना चल रहा है ना, जिससे बात कर रही हूँ मैं, पता चलता है कि बच्चों को कोल्ड है, फीवर है, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। एक तो वेदर चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा बच्चों का। मेरी फ्रेंड से भी मेरी अभी बात हो रही थी, तो वो भी बोल रही थी कि मेरे बच्चों को फीवर हो रखा है, कोल्ड हो रखा है, तो सबको ये बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, और वायरल भी कुछ अलग ही है इस बार का, तो पता नहीं कैसा कोल्ड कैसा फीवर है। तो आप लोग भी सब ध्यान रखिएगा अपना। तो मैं अभी अपने लिए कॉफी बना रही हूँ और साथ में किचन का छोटा मोटा काम निपटा रही हूँ, जो सामान जहाँ रखना है वो सब कर रही हूँ। आप लोग नवरात्रि में कैसे फास्ट रखते हैं मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। फर्स्ट एंड लास्ट रखते हैं या नौ पूरे फास्ट रखते हैं, कैसे रखते हैं? गाइज आज ना मैं आप लोगों को अपनी सोसाइटी का गरबा भी दिखाऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत अच्छा गरबा होता है यहाँ पर, डेकोरेशन आपने लास्ट व्लॉग में देखी होगी कितनी सुंदर हमारी सोसाइटी को सजाया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। और आज गरबा भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, तो लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो गाइज अभी खा पी कर मैं आ गई उधर मशीन लगाने कि कपड़े धुल लेते हैं अभी। गाइज ये मंथ तो पूरा फेस्टिवल का ही है ना, अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं, उसके बाद दशहरा आ जाएगा, फिर करवा चौथ, फिर रघुवी अष्टमी और उसके बाद दिवाली। और गाइज आप लोगों क्या ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, यानी मुझे कमेंट करके बताइएगा, रघुवी अष्टमी एंड करवा चौथ, क्योंकि दिवाली तो हर जगह मनाया जाता है पर करवा चौथ, रघुवी अष्टमी ये हर जगह नहीं मनाए जाते हैं। पारू जा रहे हैं अभी खेलने, पहन के रेडी हो रहे हैं। बेटा बाय। देखिए गाइज आरू खेलने गया है ना, वो रहा नीचे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आरू पर आ रहा है अभी, और यहाँ कितनी धूप हो रही है, आज बहुत गर्मी हो रही है। आप लोगों के मौसम कैसा हो रहा है? इधर तो बहुत गर्मी हो रखी है। मैं आरू के लिए दरवाजा खोल देती हूँ क्योंकि मैंने देख ही लिया है वो। क्या हो गया? ग्रीस लेने आए। क्या लेने? ये किस लिए लेके जा रहे हो? ये मैंने साइकिल में डाले थे। कुछ हो गया तुम्हें साइकिल में? हाँ थोड़ी उसके ब्रेक टाइट हो गए थे, तो उसको स्मूथ करना। ओके मैंने देख लिया था तुम आ रहे हो। तो गाइज अभी शाम हो गई है और शाम की मेरी पूजा हो गई है, मैं आ गई हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मैं आज व्रत का बनाने वाली हूँ समा के चावल की खिचड़ी, और बच्चों के लिए बनाऊंगी आलू के पराठे। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं। और गाइज आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी सोसाइटी का गरबा, तो आप लोग गरबा भी इंजॉय करिएगा। तो गाइज इधर सामा की खिचड़ी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले कढ़ाई गरम करके मैंने ऐड किया देसी घी, और उसमें फिर डाल दिए काजू बादाम और मूंगफली। इनको फ्राई करके हम कढ़ाई से फिर निकाल लेंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो गए हैं, मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। खिचड़ी बनाने के लिए इधर मैंने आलू भी काट कर रखा है, और अभी वापस चलेंगे कढ़ाई की तरफ। तो बचा हुआ घी में हम डाल देंगे अभी जीरा, जीरा डालने के बाद डालेंगे आलू, आलू को फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर, और फिर डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और उसके बाद टमाटर को फ्राई करेंगे, और टमाटर फ्राई होने के बाद यहाँ डाल देंगे समा के चावल जो अच्छे से वॉश कर लिए थे, उसके बाद नमक, काली मिर्च और पानी डाल के इसको ढक कर रख देंगे, और 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो गाइस इधर बन रही है मेरी समा की खिचड़ी, और मैंने आज इसमें ग्रीन चिली ऐड नहीं किया क्योंकि मैं आज बच्चों को भी ट्राई कराने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम इनको थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराऊंगी कि कैसी लगती है, इनको पसंद आएगी या नहीं पता नहीं। तो मैं अभी साथ में सैलेड काट लेती हूँ, खीरा वगैरह,
और जो हरी मिर्च है ना मैं काट के ऊपर से डाल के हिमांशु को दूंगी क्योंकि उनको थोड़ा तीखा पसंद है, तो हरी मिर्च ऊपर से डाल दूंगी और बस बाद में इसमें हरी धनिया ऐड करनी है और जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे हैं इनको ऐड कर देना है उसमें और बन जाएगी हमारी समाकी खिचड़ी। आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी मुझे बताइएगा, आप लोग भी कढ़ाई में बनाते हैं या कुकर में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं समाकी खिचड़ी। तो भी 5 से 6 मिनट हो चुका है और हमारी ये खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो देखिए एकदम खिली खिली खिचड़ी बनी है। अभी इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई हरी धनिया साथ में जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे वो डाल देंगे और अभी ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। तो मैंने यहाँ हिमांशु को खीरा और दही के साथ ये खिचड़ी सर्व की, तो मैं इसे देख के आती हूँ और आप लोग एंजॉय करिए। तो गाइज ये था आज का व्लॉग, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।